मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। फ्रांस में आतंकवादी जितनी भी घटनाएं हैं ये दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। खुद फ्रांस के राष्ट्रपति जो भी कुछ फ्रांस में हो रहा है उसको इस्लामिक आतंकवाद का नाम ले रहे हैं। पूरा बवाल आपको याद ही होगा, पैगंबर मोहम्मद साहब के कार्टून को जो बनाया गया था, उनका जो कैरिकेचर स्टूडेंट्स को दिखाया गया था, उसके बाद एक स्टूडेंट ने अपने ही टीचर की हत्या कर दी थी, इसको लेकर शुरू हुआ था। उसके बाद चर्च में घुसकर एक युवक ने 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, और उसके बाद चर्च के ही एक पादरी पर हमला हुआ था, और ताजा मामला वियना से सामने आया था। तो कुल मिलाकर फ्रांस में जिस तरह की एक्टिविटीज इन दिनों बढ़ गई हैं, इसको लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति ने अपना बयान भी दिया है। उन्होंने इसे इस्लामिक आतंकवाद बताया है, उसको लेकर वो ट्रोल भी हो रहे हैं। जो भी चीजें हिंसक घटनाएं जो हो रही हैं उनकी निंदा हर तरफ की जा रही है। इसी बीच खबरें ये आ रही हैं कि फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं वो एक नया कानून लाने की जुगत में है। वो चाहते हैं कि धार्मिक कट्टरवाद जो लगातार बढ़ता जा रहा है और जो धर्म के नाम पर हत्याएं हो रही हैं, धार्मिक भावनाओं को आहत करने के जितने भी मामले सामने आ रहे हैं, इनको लेकर एक कड़ा कानून बनाए जाने की अब ज़रूरत है। और इसको लेकर माना ये जा रहा है कि आने वाले दिनों में फ्रांस की संसद में इस मुद्दे को उठाया जा सकता है और एक नया कानून लाया जा सकता है। बताया तो ये भी जा रहा है कि जिस तरह से पहले भी एक खबर आई थी कि फ्रांस अब बाहर से आने वाले देशों के लोगों पर पाबंदियां लगा सकता है, जिनमें मुख्य तौर पर पाकिस्तान और बांग्लादेश का नाम था, वहां से आने वाले लोगों के वीज़ा को कैंसिल करने की भी बात सामने आई थी। और बताया जा रहा है कि सिर्फ फौरी तौर पर नहीं, सिर्फ वर्बली ही नहीं, बल्कि अब लिखित तौर पर एक ऐसा कानून बनाया जा सकता है जिसमें फ्रांस के लोगों की सुरक्षा को लेकर ज़्यादा एहतियात बरती जाए, और उसके लिए चाहे फिर कुछ भी कदम उठाने पड़े, अगर उसके लिए बाहर से आने वाले जो लोग हैं उन पर अगर विराम लगानी पड़े तो उससे भी फ्रांस के राष्ट्रपति चूकने से हिचक नहीं रहे हैं। लेकिन अब ये भी बड़ा सवाल है कि आप फ्रांस के लोगों की तो आप सुरक्षा की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन जो लोग बाहर से आकर वहाँ रह रहे हैं, अपनी रोजी रोटी वहाँ पर कमा रहे हैं या फिर किसी काम के सिलसिले में वहाँ पर आते हैं, भाई एक देश बिल्कुल अलग होकर तो नहीं रह सकता है, जाहिर सी बात है उसको बाकी देशों से भी कनेक्शन बनाए रखने की जरूरत है। ऐसे में फ्रांस बिल्कुल आइसोलेट हो जाए ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर इसके जो साइड इफेक्ट्स नजर आएंगे उनको लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति की अभी से निंदा शुरू हो गई है। आने वाले दिनों में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन कौन सा नया कानून लेकर आते हैं, कौन सा नया नियम लेकर आते हैं, और वो किस पर लागू होगा, किस तरह से लागू होगा, धार्मिक कट्टरवाद को रोकने के लिए क्या वाकई में जो भी वो कानून लाने की सोच रहे हैं वो असरदार साबित होगा या नहीं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन पिछले दिनों में फ्रांस में जैसी भी एक्टिविटीज सामने आई हैं, जैसी भी घटनाएं सामने आई हैं, उनको लेकर आप क्या सोचते हैं, और क्या आपको सच में लगता है कि अगर इस तरह का कोई कानून आता है जिसमें बाहर से आने वाले लोगों पर रोक लगाई जाए और समेत बहुत सारे कानून, बहुत सारे जो नियम बनाने की सोच रहे हैं फ्रांस के राष्ट्रपति, क्या वो वाकई में लाभदायक होगा, ये आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा।